बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंतूस किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कैरमल ब्रेड पुडिंग विदाउट एग्स। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ये 4 स्लाइसेस ली हैं, इसके साइड्स कट कर लेंगे। ये आप इसमें वाइट ब्रेड लेना है, इसमें ब्राउन ब्रेड नहीं लेना है। तो ये साइड्स इस तरह से अलग कर लेंगे। देखिए इसको मैं कट कर ली, आप इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं साइड्स उसके कट करने के बाद। देखिए एक ब्लेंडर जार ले ली मैं, उसमें दूध ऐड करेंगे 2 कप, कस्टर्ड पाउडर 4 टेबलस्पून, शक्कर 6 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून। अब इसमें हम जो रोटी के पीसेस काट के रखे थे तोड़ के, वो डाल देंगे और इसको ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए इसको ग्राइंड कर लिए, सब चीज़ें जो हम शामिल करे थे इस तरह से अच्छे से ग्राइंड हो गया। ये कोई भी चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही, देखिए ब्रेड वगैरह सब मिक्स हो गया। अब हम कैरमल रेडी कर लेंगे। पैन गर्म हो गया, शुगर डाल रही हूँ मैं, 6 टेबलस्पून है ये, 6 टेबलस्पून। थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, मीडियम पे है ये फ्लेम। देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई शक्कर, थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम एकदम लो कर देंगे। फ्लेम लो कर दी मैं, अब इस तरह से हिला के इसको सारी शक्कर को मेल्ट कर लेंगे। और इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमको शक्कर मेल्ट होने बाद से, क्योंकि हम जब मोल्ड में डालेंगे तो उसके बाद भी ये जो गर्म रहता है उससे ये पकते रहती शक्कर, तो अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ये कड़वा हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा होना है, थोड़ी सी शक्कर अभी बाकी है। देखिए स्टोव ऑफ कर दे रही हूँ मैं, इतना कलर बस है, क्योंकि हम इसमें डालने के बाद भी ये और डार्क हो जाएगा थोड़ा। आप अपने हिसाब से कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे फैला लेंगे। देखिए कैरमल रेडी हो गया, इसको एक साइड में रख देंगे। एक पैन ले ली मैं, पैन में जो हम मिक्सचर जो बना के रखे थे वो डाल देंगे। देखिए इसको ऐसे ही कंटिन्यूसली हिलाते हुए पकाना है, अगर इसको छोड़ देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। फ्लेम मीडियम पे है, मीडियम पे रख के पकाना है हमको। अब देखिए ये बहुत जल्दी बनता, अभी आपको दिख रहा होगा 2-3 मिनट में ही ये इतना गाढ़ा हो गया। अब देखिए मैं स्टोव ऑफ कर दे रही हूँ, करके इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इवनली मिक्स हो जाए। थोड़े से लम्स आपको दिख रहे होंगे, वो लम्स नहीं है क्योंकि गाढ़ा हो रहा, तो इस तरह से लग रहा हमको, किस तरह से दिख रहा प्लेन। अब इसको हम जो मोल्ड में हम कैरमल बना के लगा के रखे थे, कैरमलाइज करके वो मोल्ड में डाल देंगे इसको। इसको जल्दी से पोर कर देने का है और उसको इक्वल कर लेंगे, इसको इस तरह से फैला के इक्वल कर लेना है। अब इसको हम एक 5 मिनट बाहर रखेंगे, उसके बाद इसको ढाप के फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए, तो ये सेट हो जाएंगे। हम इसको स्टीम नहीं कर रहे क्योंकि हम हर चीज़ इसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड करे थे वो सारी चीज़ों को हम पका लिए, तो अब स्टीम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सेट होना है, तो इसके लिए हम 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे उसको। देखिए ब्रेड पुडिंग रेडी हो गई, उसको मैं अब कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए बिना पकाए के कैसी अच्छी सेट हो गई, इस तरह से आप भी बनाकर देखिए, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। और ये बहुत आसानी से बन जाता, इसके ज़्यादा कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो बनाकर देखिए और मुझे बताइए कि ये आपको कैसी लगी। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।